मुंतजर हूं मैं एक जमाने से, मुंतजर हूं मैं एक जमाने से, अब तो आ जा किसी बहाने से। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, खबरों का सफर शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच वार्ता भी आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई भी देश झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जहां तक आत्मसमर्पण की बात है तो यूक्रेन आत्मसमर्पण के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, कतई राजी नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। नतीजे के लिए भविष्य के गर्व में जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी हमें इंतजार करना पड़ेगा, और थोड़े से इंतजार के बाद और भी रिजल्ट सामने आ सकती है। युद्ध फिलहाल चल रहा है, इसी के बीच भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाया जा रहा है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची एक विमान और पांचवी खेप में 249 भारतीयों को भारत लाया गया, जिन्हें दूसरे राज्यों में उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। एक खास तस्वीर हमारे पास आ रही है। फुट की ऊंचाई पर औस और 20 डिग्री सेल्सियस में खेल का मजा, वॉलीबॉल का मजा हम आपको दिखाएंगे। खास तस्वीर हमारे पास आ रही है। उत्तराखंड में भारत तिब्बत पुलिस के जवानों ने यहां 20 डिग्री सेल्सियस में 15,000 फीट ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, और किस तरह से ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस में हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब बात करेंगे भाजपा द्वारा आहूत 12 घंटे के बंगाल बंद की। भाजपा ने 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया, लेकिन बंद का कुछ भी असर नहीं दिखा। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आसनसोल की। आसनसोल में बंद के दौरान भाजपा समर्थकों ने, भाजपा नेताओं ने सड़क जाम किया और प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस के जवानों ने पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी भी की और उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, और इस बाबत आपको बता दूं कि हाथापाई भी हुई दोनों पक्षों की तरफ से। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि आसनसोल के गिरजा मोड़ इलाके में और आसपास के इलाकों में भाजपा के समर्थकों को कैसे गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शन करने से उन्हें कैसे रोका गया। आपको एक बार फिर से बता दूं कि पश्चिम बंगाल में नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, और इन चुनावों में भाजपा का यह आरोप है कि धांधली हुई है और गुंडागर्दी हुई है, और इसी को लेकर आज 12 घंटे का बंद बुलाया गया, लेकिन बंद बिल्कुल सफल नहीं हुआ। आइए कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं आसनसोल की। Lord be, 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 Lord
भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंट रही है, लेकिन दूसरी तरफ आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंद के खिलाफ रैली निकाली गई और कहा गया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है और तृणमूल कांग्रेस के प्रति, ममता बनर्जी के प्रति उन तमाम लोगों की आस्था है। यही वजह है कि विभिन्न चुनावों में लगातार सफलता मिल रही है तृणमूल कांग्रेस को। आइए दिखाते हैं। পশ্চিমবাংলাকে ক্ষতবিক্ষত করতে কোথ থেকে আইছে সন্ত্রাসবাদী দল। পশ্চিমবাংলার মানুষ পুরসভা নয় বিধানসভায় তারা মিলিটারি দিয়ে পশ্চিমবাংলায় তারা নির্বাচন করেছিল। পশ্চিমবাংলার মানুষ রায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষ, 9 কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে। পুরসভা নির্বাচনেও স্বতঃস্ফূর্ততাকে তারা আতঙ্কিত, তারা এই আতঙ্কের ভয়ে তারা বাংলা বন্ধ রেখেছিল। পশ্চিমবাংলার পথ চলতি মানুষ, দোকানদার, বাস, অটো থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। তার জন্য সমস্ত মানুষকে আমরা করজোড়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য আজকের এই মিছিল। उधर कुलटी से भी हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। बंद की 12 घंटे बंद के दौरान हालांकि कुछ भी असर देखने को नहीं मिला, लेकिन भाजपा के समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहां सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कुलटी के नियामतपुर की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नियामतपुर में भी यहाँ के भाजपा विधायक अजय पोद्दार और यहाँ के नवनिर्वाचित पार्षद अमित तुलस्यान के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों ने यहाँ सड़क जाम किया और बंद को सफल करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ सातोड़िया इलाके में भी बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन यहां भाजपा समर्थकों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। बराकर इलाके से भी हमारे पास खबर आ रही है कि बराकर इलाके में भी भाजपा समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और बंद को कामयाब करने की कोशिश की गई और इस दौरान भाजपा के विधायक अजय पोद्दार ने भी यहां सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और सड़क जाम को हटाना पड़ा। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बंगाल में इस बंद का कुछ भी असर नहीं दिखा। हमारे रिपोर्टर वसीम खान की यह खास रिपोर्ट।
आज का ये जो आप लोग धरना पर बैठे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? कल पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से गणतंत्र की हत्या हुई है। चारों तरफ लूट, हत्या, और हमारे काफी कर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सैकड़ों की संख्या में उन लोगों को अरेस्ट करके रखा गया है। ये अगर वोट नहीं करवाना था तो आप नॉमिनेट कर देते। ये पश्चिम बंगाल में गणतंत्र की हत्या है, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसके विरुद्ध में आज रोड पर उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह रोड ब्लॉक किया गया है, बाजार बंद है, नॉर्थ बंगाल में पूरी तरह बंद है, काफी जगह ट्रेनों को रोका गया है। ये पश्चिम बंगाल में गणतंत्र की हत्या के खिलाफ में हम लोगों का प्रदर्शन है। क्या मांगे हैं आप लोगों का? अगर वोट होना है तो वोट जिसका है वो दे। इस तरह लूट मार करके वोट कराने से क्या फायदा है? दोबारा चुनाव की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल, दोबारा चुनाव की मांग करते हैं। जिस तरह हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुकांत मजुमदार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आसनसोल में हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्णपुर इलाके में अवैध शराब की दुकानें काफी हो गई हैं और हीरापुर थाने के आसपास भी शराब की बिक्री होती है, लिहाजा यहाँ असामाजिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दूं कि कल रात की हमारे पास एक घटना आ रही है, कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। यहीं के रहने वाले लच्छू रजक के साथ असामाजिक तत्वों ने गलत काम किया। उन्हें सबसे पहले दारू पिलाई, शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उनके पेट में छुरा दिया, उनके पेट में भुजाली से वार कर दिया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि पुलिस इसके बाद तहकीकात कर रही है और आरोपियों को खोजने की कोशिश भी की जा रही है। पंकज था और एक लड़का था जो कि बाहर का। अच्छा अच्छा, उसके बाद लेके गाड़ी में बैठा के। अच्छा, उसके बाद मारा आपका गुड्डू के पास लेके गया है। हाँ? और तेल भराया है। हाँ? उसके पास ले गया है आपका। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? वो हमको ले गया आपका अपरोड के पीछे में, जहाँ एफएम दिया अपोल रोड का पीछे। हाँ। वहीं पे मारा चाकू से। हाँ। हाँ। फिर वहां ले जाकर फेंक दिया का? वहां से हम पेट बांध के गया, गिंजी मांग के आए अपना। कौन कौन था आपके साथ जो ले गया लोग? इतना नाम याद नहीं है। काहे के लिए मारा? वो मारा था, हम उसने काम किए थे, अपना हिस्सा मांगने की है। अच्छा, इसी के लिए मारा हमको। कब मारा? मारा आज। मारा आज? मारा। हाँ। देखिए, अरे पेट में कैसे मारा? पेट मारा, उसका दोस्त यारी है राम सामन का। हाँ। वो लेके में मारा। तो चक्कू से कैसे लगा? चोट लगा गिर के? नहीं, भुजाई से मारा। देखिए, पिछली ये ट्रीटमेंट जो किया है। क्या क्या मारा? कौन मारा, नाम बोलिए तो एक बार। पंकज साहब मारा है, का दोस्त यार मारा है। हाँ। याद नहीं है इतना कौन कौन मारा है हमको। प्लान ले गया था गुडू का। अच्छा, ठीक है। हाँ। वहाँ से याद नहीं है। गुड्डू के पास आपको दारू पिलाया जी? अच्छा, वहाँ से गाड़ी बना है, उसका याद नहीं है।
आसनसोल के सालानपुर ब्लॉक स्थित हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कारखाना पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और आज कारखाने के सामने बंद कारखाने के मुख्य द्वार के सामने पुनर्वास समिति की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इनकी कई मांगे हैं और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने इस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष महाजन से बातचीत की। हम लोग सभी पुनर्वासन के सदस्य हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए सभी को पुनर्वासन के सदस्य हैं और सभी को अपना लड़ाई हम लोग को उपस्थित होना है और सरकार को भी बताना है, केंद्र सरकार को भी बताना है, राज्य सरकार को भी बताना है कि हम लोग यहाँ हैं। आज के আমাদের যে গেট মিটিং ছিল এটার মূল কারণ হলো যে আমাদের বিভিন্ন যে দাবি দাবা ছিল শিল্প চাই কেবেলসে এবং ওয়ার্কারদের যে বকেয়া আছে পিএফ পেনশন সহ যে 58-60 কোটের বিষয় দেখিয়ে আটকে রেখেছে সেইগুলো আমরা বলছি আপনারা এগুলো কোর্টে গিয়ে স্যারেন্ডার করে অ্যাপিল করে টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, শিল্প হোক এটা দাবি ছিল। এবং আমরা কিছুদিন আগেই আমরা দেখলাম টিভির মধ্যে বা নিউজ খবরের মাধ্যমে যে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে গত 3 মাস ধরে একটা মাপ চলছিল এবং সেটাই মমতা ব্যানার্জি রাজ্য সরকার আমাদের মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করলেন যে শিল্পে শিল্প আসার একটা সম্ভাবনা তিনি একটা ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন হিন্দুস্তান কেবলসে। এটাতে আমরা স্বাগত জানিয়ে আমাদের গেটস মিটিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত এলাকাবাসী এটাকে আমরা একটা এই সবার মধ্যে দিয়ে কেবেসকে যেমন একদিকে আমরা সাবধান করলাম বকেয়াগুলো ফেরত দিন, অন্যদিকে আমরা আনন্দ প্রকাশ করলাম, এরই সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি তার প্রতিবাদ করলাম। আপনার নাম? আমি পরিচয় হিন্দুস্তান কেবেস পুনর্বাসন সমিতির আমি সম্পাদক সুভাষ মহাজন। मंदिरों में चोरी की घटनाओं पर कतई लगाम लगता नहीं दिख रहा है। आसनसोल के सालानपुर इलाके में शमशान काली मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पूरी तरह से चोरों को सफलता नहीं मिली लेकिन चोरी करने की पूरी कोशिश की गई। आज सुबह जब यहां के लोगों ने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा पहला दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है और उसका ताला तोड़ दिया गया है, इसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई और इसके बाद सालानपुर पुलिस के जवान भी यहां पहुंच गए और इस मामले की तहकीकात भी की जा रही है। आसनसोल नगर निगम में नए मेयर विधान उपाध्याय ने कार्यभार संभाल लिया है, उनके साथ उनके तमाम सहयोगी पार्षद और भावी डिप्टी मेयर्स भी काम में जुट गए हैं। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन महत्वपूर्ण मीटिंग भी बुलाई गई। मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई और आज कह सकते हैं इंट्रोडक्शन का दौर चला और तमाम कर्मचारियों के साथ निगम के तमाम अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई और कई तरह के निर्देश भी दिए गए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने नए मेयर विधान उपाध्याय और भावी उपमेयर अभिजीत घटक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त कमिश्नर नितिन सिंघानिया से बातचीत की। আমাদের মাননীয় মেয়র শ্রী বিধান উপাধ্যায় সাহেব
ডিক্লেয়ার হয়েছেন এবং ওনার তারপরে হি হ্যাজ টেকেন দি সিট অন দ্যাট ডে ইটসেলফ এবং আজকে ওনার অফিসিয়ালি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ডে অফ হিম তো একটা বড় রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ হোক ওনার জন্য সেকেন্ডলি আমাদের এখানে সেদিনই ইন দি ওথ টেকিং সেরেমনি আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জি ওনার নাম ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যেটা ফার্স্ট আমাদের যেটা ছিল যে গাড়ু নদীটা সংস্কার সেটার জন্য আমরা ভিজিট করব আর দ্বিতীয় হচ্ছে আসানসোলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সেটা আমরা অলরেডি যারা স্যানিটাইজার আছে তাদেরকে আমাদের বলা হলো যে ভাই তোমরা ঠিক করে কাজটা চালু করো আমরা যে কোনো টাইম যে কোনো জায়গায় ভিজিট করবো কোথাও কিছু দেখলে আমরা কিন্তু অ্যাকশন নেব জলের সমস্যা ছিল যে জলের সমস্যার জন্য বলেছেন আপনারা কি ম্যানিফেস্টোতে জলের ব্যবস্থাটাও ঠিক করবেন সবগুলো ঠিক করবো আজকে যেটা মিটিং হলো সেটা বললাম আজকে যেটা যেটা আমি অফিসারদের উপর দিলাম এই দুটো জিনিস দিয়েছি আমি জল ফল সবগুলোই জল না হলে তো মানুষ বাঁচবে না জলটাও দরকার কিন্তু এই এইগুলো যেহেতু আমাদের আছে জল যা যা আছে আমাদের পরপর পরপর আমরা ড্রাইভ করে যাবো দেখিয়ে শপথ কা বাদ আজ দুসরা দিন হাম লোক কা কর্পোরেশন মে হাম লোক আয়ে আজ হাম লোক जो कॉरपोरेशन का आधिकारिक है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सैनिटरी डिपार्टमेंट और भी जो डिपार्टमेंट्स है ये सारे डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का साथ एक परिचय के लिए एक आज मीटिंग किया गया था हमारे जो मेयर साहब नया चुना गया है उनके साथ और हमारे चेयरमैन डिप्टी मेयर इन सभी के साथ